नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होती है एसिडिटी और क्या होती है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम। देखा जा रहा है दोस्तों, आज ये समस्या बड़ी तेजी से फैल रही है और हर व्यक्ति आज एसिडिटी जैसी समस्या से पीड़ित है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और इसके बहुत सारे लक्षण हमें नजर आते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, क्योंकि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं क्या होती है एसिडिटी। दोस्तों, एसिडिटी जब भी होती है, हमारा ये वाला जो एरिया है, यानी कि बात करें, ये हमारा ईसोफेगस है, जिसे हम अन्ननलिका बोलते हैं, इसमें हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जलन होती है, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन हो सकती है और ऐसा लगता है जैसे कि घुटन जैसी हो रही है और कई बार तो मुंह में भी खट्टा पानी होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो लोग बैठे रहते हैं, यानी कि जिनकी सिटिंग जॉब होती है, ऐसे लोगों को एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं, यानी कि कोई एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो रहती है, उन लोगों को एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है। जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, यानी कि दिन में एक गिलास दो गिलास ही पानी पीते हैं, ऐसे लोगों को एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है। जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, काफी लंबे समय से करते हैं, तो उनको भी एसिडिटी ज्यादा रहती है। जो लोग ड्रिंक करते हैं, डेली पैसेंजर है, यानी कि उनको डेली ड्रिंक करनी ही करनी है और काफी लंबे समय से, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि उनकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है और उनको सीवियर एसिडिटी की समस्या रहने लग जाती है। जो लोग चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, दिन में 5 चाय, 6 चाय, 10 चाय, यानी कि बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, क्योंकि इन चीजों में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी एसिडिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। खाली पेट चाय पीना, जो लोग सुबह उठते के साथ ही बैड टी लेते हैं, उनको एसिडिटी और लोगों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा रहती है, क्योंकि जब व्यक्ति रात को खाना खाता है और जब वो सुबह सोकर उठता है तो इस दौरान उसका पेट बहुत ज्यादा खाली रहता है और खाली पेट पे चाय पी लेना कई गुना एसिडिटी को बढ़ा देता है, सीवियर एसिडिटी रहती है। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, अगर किसी भी बीमारी के लिए कोई व्यक्ति दवाई ले रहा है, शुगर की दवाई ले रहे हैं, थायराइड की दवाई ले रहे हैं, बीपी की ले रहे हैं, अर्थराइटिस की ले रहे हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी औरों की अपेक्षा एसिडिटी होने के चांस ज्यादा होते हैं। जो लोग स्पाइसी, तला हुआ, मैदा वाली चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, रेगुलर करते हैं, ऐसे लोगों को भी एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है। और दोस्तों, जब भी एसिडिटी की समस्या रहती है तो देखा जाता है कि सुबह उठने पर ज्यादा परेशानी होती है, मुंह में खट्टा पानी रहता है, गले में जलन रहती है और कई बार तो व्यक्ति को वॉमिटिंग भी हो जाती है। ऐसे लोगों का निरंतर पेट फूला रहता है, यानी कि कई बार ऐसा लगता है कि पेट कितना बड़ा हो गया है। बहुत सारी समस्याएं होती है, कई बार मोशन पास करने में बहुत सारी डिफिकल्टी होती है, यानी कि जब वो मोशन पास करने जाता है तो उसको एनस के रास्ते पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो लोग खाने के साथ में पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ऐसे लोगों को भी एसिडिटी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए और खाने के बीच में भी नहीं पीना चाहिए, यानी कि कोई भी लिक्विड हमें नहीं लेना। छाछ आप ले सकते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, पानी, ये आपको खाने के साथ में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, सीवियर एसिडिटी से आप ग्रस्त रहते हैं, तो आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी की समस्या धीरे 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 खत्म हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें ट्रीटमेंट। पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पर बिठाना है और यहाँ दोस्तों कान के नीचे एक नर्व होती है, वहाँ हमें थोड़ा सा पाउडर लगाना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में लगाना है। पाउडर लगाने के बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. पहले लेफ्ट साइड हमें 30 टाइम्स इस प्रकार से रब करना है, उसके बाद राइट, अभी राइट साइड में कान के नीचे जो नर्व है इस पर हमें प्रेशर देना है, तरीका वही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. पहले लेफ्ट किया 30 टाइम्स, फिर राइट किया 30 टाइम्स, फिर हमें एक मिनट का गैप देना होता, फिर हमें इसी प्रकार से करना है, लेकिन काउंटिंग चेंज हो जाएगी, ध्यान से देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. पहले लेफ्ट किया फिर राइट, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. फिर पेशेंट को नीचे लिटाना है, पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लिटाना है, दोनों साइडों में हमें इस प्रकार से कुर्सी रखनी है, पैरों के नीचे तकिए लगाने हैं और हमें घुटने से नीचे प्रेशर देना है, तीन पॉइंट बनाने हैं, वहां हमें प्रेशर देना है, देखिए कैसे, बहुत हल्का प्रेशर, मेरा ज्यादातर प्रेशर कुर्सी पर है इस प्रकार से, और यहां हमें 6 सेकंड दबाना है, फिर ये बीच में पॉइंट 6 सेकंड दबाना, फिर नीचे वाले पॉइंट पर 6 सेकंड दबाना, ऐसा हमें एक राउंड में 3 बार करना है, फिर उसी प्रकार से दोबारा बिना रुके करना है ये पॉइंट्स, हर बार 6 सेकंड प्रेशर आना चाहिए, ये 6 सेकंड के 2 राउंड हुए, एक राउंड में 3 बार किया, देखेंगे ध्यान से, 6 सेकंड यहाँ दबाया, 6 सेकंड यहाँ दबाया, और 6 सेकंड हमने यहाँ दबाया, ये भी चौथा राउंड, 6 सेकंड दबाना, फिर यहाँ 6 सेकंड दबाना, फिर यहाँ 6 सेकंड दबाना, फिर ये हमारा 5वां पॉइंट, 6 सेकंड यहाँ दबाना, फिर यहाँ पर 6 सेकंड दबाना है इस प्रकार से, फिर ये नीचे वाली साइड में 6 सेकंड दबाना, ऐसे हमारे ये 5 राउंड कंप्लीट हुए, फिर ये हमारा 6ठा राउंड, 6 सेकंड यहाँ दबाना, फिर 6 सेकंड यहाँ दबाना, और ये 6ठा पॉइंट यानी कि 6ठा राउंड का लास्ट पॉइंट, 6 सेकंड यहाँ दबाना, यानी कि ऐसा हमने 6 राउंड बनाने हैं और हर राउंड में 3 पॉइंट करने हैं, यानी कि 18 पॉइंट्स हमें इस प्रकार से देने हैं। उसके बाद लेफ्ट लेग पर अपर वाली साइड में यहाँ हमें ऐसे पैर रखना है, हल्का सा नीचे की ओर दबाना, 6 सेकंड यहाँ दबाना, फिर यहाँ 6 सेकंड दबाना, फिर हमें 6 सेकंड यहाँ दबाना है, फिर ये दूसरा राउंड 6 सेकंड यहाँ दबाना, फिर 6 सेकंड यहाँ दबाना है, और फिर हमें 6 सेकंड यहाँ पर भी दबाना है, ये हमारे 2 राउंड हुए, और ये हमारा फिर तीसरा राउंड, 6 सेकंड यहाँ दबाना, 6 सेकंड यहाँ दबाना, और 6 सेकंड हमें यहाँ पर दबाना है, यानी कि 9 पॉइंट में हमें ये ट्रीटमेंट करना होता है। दोस्तों आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कितने भी दिनों से है, आपको चेस्ट बर्निंग सेंसेशन रहती है, आपके मुंह में खट्टा पानी आता है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, जिसके लिए आप काफी लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें, साथ में कुछ परहेज रखें, कुछ सावधानियां रखें, जैसे कि हल्की फुल्की वॉक आप स्टार्ट कर सकते हैं, खाने के साथ पानी अगर पीते हैं वो आपको बंद कर देना चाहिए, सुबह उठकर खाली पेट पानी जरूर पिए, अगर चाय पीते हैं सुबह उठकर बैटरी लेते हैं वो आपको छोड़ देनी चाहिए, दिन में ज्यादा चाय पीते हैं कॉफी ज्यादा पीते हैं तो उसको आपको बंद कर देना चाहिए, मिर्च मसाले तला हुआ मैदा से बनी चीजें इनको आपको अवॉइड करना चाहिए, दिन में 10 से 12 ग्लास पानी आपको अवश्य ही पीना चाहिए, अगर खाने के साथ आपको चाय कॉफी ऐसी लेने की आती है तो उसको अवॉइड कर दें, उसके साथ में आप खाने के साथ में छाछ का सेवन करेंगे तो वो आपकी एसिडिटी को शांत करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वो कुछ ही दिन में 100% ठीक हो सकती है, फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और अपनी किसी भी बीमारी के लिए हमसे इलाज ले सकते हैं, अगर आप हमारे पास आ सकते हैं बहुत अच्छा है, अगर लगता है किसी कारणवश आप हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, आपकी बीमारी ऐसी है या आपके पास समय का अभाव है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ होम विजिट की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है, तो आप जिस भी प्रकार से
ट्रीटमेंट कराना चाहें उस प्रकार से आप करा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।